हेलो गाइस, डीमार्ट के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ज़रा। सो डीमार्ट के रिजल्ट मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ आए, पर इवन आज शेयर मार्केट में तकरीबन 4.19% शेयर डाउन रहा। और यहाँ पर हम रिजल्ट देखेंगे क्विकली। सो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मार्च की जो रिजल्ट आए तो सेल्स तो काफ़ी अच्छी आई है, पर ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट आया है वो 460 करोड़ का आया है, पिछले दिसंबर क्वार्टर से कम आया था। बट अगर हम मार्च से क्वार्टर करेंगे तो सेल्स काफ़ी अच्छी इजाफा हुई है। एज वेल 427 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर आया था वो भी 460 करोड़ पे आया है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो जो 1492 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर आया था वो 2378 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया है, बट आई डोंट नो व्हाई शेयर प्राइस इज़ डाउन। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट हेयर कि जो कंपनी ने लास्ट ईयर से लेके अभी तक तकरीबन 40 स्टोर्स भी इंक्लूड किए हैं, मतलब में 40 स्टोर भी इनके बढ़ चुके हैं। तो जहां इनके लास्ट ईयर 284 स्टोर्स थे वो अभी 324 हो गए, तो 40 स्टोर भी बढ़ाए हैं। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा गेन किया, 1492 करोड़ से लेके जो 1492 करोड़ से लेके 2378 करोड़ की जर्नी हुई, काफ़ी हेल्दी जर्नी हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।